मैंने किया क्या है? अरे छोड़िए ना, कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग मुझे? प्लीज प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया है, छोड़िए मुझे। अरे छोड़ो। ये बहुत गुस्सा आ रहा है तुझे, हाँ लेके चलो। क्या लेके चल, मैंने किया क्या है? मेरी गलती क्या है? मैं बेकसूर हूँ। चुप कर इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब आप शांत रहिए, लेके चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए, इंस्पेक्टर साहब। मैं दिनेश अवस्थी की माँ, जिसको पुलिस ने अपनी पत्नी के कत्ल के इल्जाम में जरा पानी पी लीजिए प्लीज। आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, जो बोलना है बेझिझक बोलिए। बहुत नाम सुना है आपका, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे बेटे की मदद जरूर करेंगे। पुलिस का कहना है कि मेरे बेटे ने अपनी पत्नी का कत्ल किया और उसके टुकड़े टुकड़े करके समंदर में डाल दिए। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मेरा बेटा अपनी पत्नी का खून कैसे कर सकता है? अब चिंता मत करिए, मैं जाकर आपके बेटे से मिल लेता हूं। अरे छोड़िए ना, कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग मुझे? सर आपको नहीं लगता कि आपने ये केस लेने में जल्दबाजी कर ली? प्लीज प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया है, छोड़िए मुझे। आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी थी? मुझे उस पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। अदीरा, मेरा अनुभव ये कहता है कि स्कूल में क्लास में जो सबसे शैतान बच्चा होता है वो दिल का उतना ही अच्छा होता है। अब देखते हैं मेरा अनुमान सही निकलता है या नहीं। राठौड़ साहब नमस्कार। क्या केडी साहब, कैसे याद किया? जो समुद्र तट पर किसी महिला का पांव प्राप्त हुआ था। मतलब दिनेश का केस आप ले रहे हैं? कमाल की किस्मत है, इतना संगीन जुर्म करने के बाद भी आप जैसा अच्छा वकील मिल गया उसे। ऐसा मत करिए राठौड़ साहब, अगर आप ही हर केस का निर्णय सुनाने लगे तो अदालत में ताले लग जाएंगे। रिक्वेस्ट थी आपसे, उसके सारे रिपोर्ट्स में देखना चाहूंगा। जरूर। थैंक यू। हाय, मैं केडी पाठक सर, आपको कौन नहीं जानता, माँ ने बताया था। आई एम दिनेश। दिनेश बताओ क्या हुआ था? सर मेरी और जया की शादी को 2 साल हो चुके थे, जया प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट्स एक्सपेक्ट कर रही थी और मुझे पूरी उम्मीद थी कि टेस्ट का रिपोर्ट पॉजिटिव ही होगा, इसीलिए उस बात को, उस खबर को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने एक फैमिली वेकेशन प्लान की एक रिसोर्ट में। जया, डॉक्टर का फोन आया। 1 घंटे में 7 ही बार पूछ चुके 1 सवाल। आई एम श्योर बच्चा आएगा तो मुझे भूल ही जाओगे। तुम्हें कभी भूल सकते हैं क्या जाने मन? अच्छा बातें मत बनाओ। अरे सीरियसली, देखो ना शायद डॉक्टर का मेल होगा। इतनी बड़ी बात छिपाई तुमने मुझसे कि तुम्हारी एक ही किडनी है और वो भी इन्फेक्टेड है और इस वजह से तुम कभी मां नहीं बन सकती। दिनेश मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनो, फिर एक और झूठ बोलोगी तुम। हमारे रिश्ते की शुरुआत में ही मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारी कमर पर जो कट है वो कैसे पड़ा, तो तुमने क्या कहा था मुझसे? क्या कहा था? कि अपेंडिक्स की ऑपरेशन का निशान है। कहा था कि नहीं? कहा था कि नहीं? कहा था, पर I'm sorry, ये किडनी ऑपरेशन की बात मैंने मम्मी पापा के कहने पे तुमसे छुपाई थी, पर बिलीव मी मुझे नहीं पता था कि मैं मां नहीं बन सकती। प्लीज मेरा यकीन करो दिनेश, प्लीज। कैसे यकीन करूं तुम्हारा,
जब तुमने इस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ से की है। प्लीज एक बार मेरे, जया ने मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला था और मैं वो झूठ बर्दाश्त नहीं कर सका, इसीलिए उस दिन हमारे बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। लेकिन सर मेरा यकीन मानिए, मैंने अपनी बीवी को नहीं मारा, बहुत प्यार करता था मैं उससे। योर ऑनर, अगर मैं कहूं समुंदर तो आपके सामने क्या दृश्य है? रेत, पानी, छोटे छोटे बच्चे खेलकूद कर रहे हैं, कुछ बड़े बुजुर्ग जो वॉक ले रहे हैं, कुछ रोमांटिक कपल जो रेत में सपनों का महल बना रहे हैं, और दूर कहीं डूबता हुआ सूरज। ये सब नॉर्मल है, लेकिन कुछ एबनॉर्मल हुआ है, इसीलिए आई एम जयसवाल इज हियर। एबनॉर्मल ये हुआ है कि जो अक्यूज्ड हैं दिनेश अवस्थी, उन्होंने अपने पत्नी के जीवन का सूरज हमेशा हमेशा के लिए डुबा दिया दूर कहीं समुंदर में। और यूं ही तो मैं कुछ कहता नहीं हूं ना, लेट मी प्रूव इट टू यू। हुआ यूं, योर ऑनर, कि इनकी पत्नी जया की लाश समुंदर में से पाई, अरे समुंदर के किनारे पैर पैर पाया गया। हुआ था यूं कि तीन दिन पहले, जिस दिन ये पैर पाया गया उसके तीन दिन पहले इनकी पत्नी जया लापता हो गई। अब नॉर्मल केस में क्या होता है कि पति जो है वो टेंशन में आ जाता है, लेकिन ये पति साहब जो थे तीन दिन तक घोड़े बेच के सोते रहे, ना पुलिस कंप्लेन की, ना ढूंढने की कोशिश की। आखिर ऐसा किया क्यों? क्योंकि खून इन्होंने तो किया था, कॉमन सेंस की बात है। अगेन यूं ही मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, आई विल प्रूव इट इनके मुंह से ही। पूछते हैं, बताइए दिनेश जी क्या हुआ था? आई मीन आखिरी बातचीत आपकी और आपकी पत्नी के बीच में कब और क्या हुई थी? हमें उसी दिन पता चला था कि जया कभी मां नहीं बन सकती। तुम्हें पता है ना कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। दिनेश प्लीज मेरी बात का यकीन करो, प्लीज। बस अब एक और शब्द नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारा, बस। दिनेश मेरी बात तो सुनो। एक बात बताइए मुझे, तीन दिन तक आपकी पत्नी गायब थी, फिर भी ना आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, ना ढूंढने की कोशिश की, ऐसा क्यों? क्योंकि सर मुझे लगा कि वो अपने किसी दोस्त के घर पर गई होगी, और दूसरी वजह ये थी कि मैं जया से बहुत नाराज था। नाराज? गुस्सा भी आया होगा आपको, आता है, नॉर्मल है। लेकिन मुझे पाठक साहब ने सिखाया है, क्रोध लाए गति में अवरोध, गुस्सा इज वेरी बैड। गुस्से में इंसान क्या क्या नहीं कर जाता, देखो आपने क्या किया। योर ऑनर, इसी गुस्से के चलते जैसे ही जया जी रिसोर्ट से बाहर निकली, दिनेश जी भी उनके पीछे पीछे गए और हत्या कर दी जया जी की। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्रोसिक्यूटर साहब बिना कुछ स्पष्ट किए, बिना कुछ प्रमाणित किए केस में निर्णय सुना रहे हैं। ये निर्णय आप न्यायाधीश महोदया को ही करने दीजिए। ये बताइए आपकी पत्नी के साथ आपके झगड़े नहीं होते? नहीं, जैसे वो बोलना शुरू होती है मैं चुप हो जाता हूँ। उसकी कसर आप यहाँ निकालते हैं अदालत में, फिर छोड़िए। योर ऑनर, साधारण रूप से हर पति पत्नी के बीच छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, इसका ये अर्थ नहीं है कि हर पति अपनी पत्नी की हत्या कर दे। हर पति तो नहीं करता, लेकिन इस पति ने किया आपके मुवक्किल ने, क्योंकि वो गुस्से में अपना आपा खो बैठा था, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। मैं भी आप पर अपना आपा खोता हूँ तो आज तक मारा आपको मैंने? थैंक यू, आपने मुझे नहीं मारा, लेकिन आपके मुवक्किल ने मारा है, और अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं प्रूव करना चाहता हूँ। प्रमाणित करिए। थैंक यू सर, 5 मिनट अगर मुझे मिले तो मैं अब भी साबित कर दूं कि इसी ने खून किया है। इजाजत है। थैंक यू।
योर ऑनर, ये पवन जी हैं। और पवन जी कौन है और दिनेश जी के साथ इनका क्या रिश्ता है ये पवन जी खुद बताएं। बताइए पवन जी, क्या रिश्ता है आपका दिनेश जी के साथ? मैं दिनेश का छोटा भाई हूँ। तो छोटे भाई ये बताइए कि इतनी बड़ी बुरी हालत आपकी कैसे हो? देखिए डरिए मत, मैंने क्या कहा था आपसे, आई एम जयसवाल है यहाँ पे, बोलिए। वो सर मैं सीढ़ियों से गिर गया था। गिर गए थे? नहीं नहीं नहीं, I'm sorry, Your Honor, I'm not prodding him, but मैं चाहता हूँ कि सच अदालत के सामने आए और ये भी चाहता हूँ कि सच मैं नहीं पवन जी खुद बोले। बोलिए पवन जी, सच क्या है? आप गिर गए थे या धक्का मार के आपको गिराया गया था? बोलिए बोलिए, सच बोलिए। Your Honor, silence speaks, Your Honor. देखिए इसकी हालत देखिए आप, इतना डरा हुआ है कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। और ये डर किसका है पता है आपको? उसके भाई दिनेश का। वो सीढ़ियों से धक्का मारने वाला इंसान दिनेश था योर ऑनर। आप दिनेश जी की माँ की और देखिए, उनके सर पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो चोट के निशान है योर ऑनर, ये भी इनकी देन है। क्या हुआ था? छोटा सा गुस्सा, गुस्से की वजह से कांच दे मारा माँ के सर पे। अब जो इंसान योर ऑनर अपने भाई को सीढ़ियों से धक्का देता है, माँ के सर पे कांच फेंकता है, वो अपनी पत्नी का कत्ल क्यों नहीं कर सकता योर ऑनर? एंड दैट टू इन फिस्ट ऑफ एंगर। ये झूठ है सर, वो दोनों एक्सीडेंट्स थे। मैंने गुस्से में आकर टेबल पर रखा ग्लास फेंका था और वो गलती से माँ को लग गया। और रही बात पवन की, तो उसने 2 लाख रुपए चुराए थे, इसी बात को लेकर हमारे बीच हाथापाई हो गई और फिर वो फिसल कर सीढ़ियों से गिर गया। ओह नो सर, ही इज। चलिए दिनेश जी, आपने किया नहीं, आपसे हो गया। ये हो गया, उसकी वजह क्या है? लेकिन आपके अंदर जो गुस्सा है वही ना, गुस्से की वजह से ही तो ये सब हुआ ना। गुस्से की वजह से ही आपने अपने भाई को सीढ़ियों से धक्का मारा, वो बेचारा अपाहिज हो गया। गुस्से की वजह से आपने वो ग्लास तोड़ा, अपनी माँ को लग गया, तब गुस्से की वजह से। और योर ऑनर, अगर गुस्से की वजह से ये इंसान इतना कर सकता है तो अपनी पत्नी का खून क्यों नहीं कर सकता, जब उसको ये पता चले कि ये जो इगोइस्टिक शॉर्ट टेम्पर मेल है, उसको ये पता चले कि आज जीवन वो कभी बाप नहीं बन सकता। कितना बड़ा टैबू है इनके लिए। और एक बात योर ऑनर, इनको एंगर का प्रॉब्लम है। योर ऑनर, वैसे मैंने पहले भी कहा था, गुस्सा आता है तो अपना आपा खो बैठते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं। मेरे को लगता है योर ऑनर के ऐसे इंसान के साथ घर में रहना एक छत के नीचे, आई थिंक एक टाइम बॉम्ब के ऊपर रहने बराबर है। नहीं, कभी भी फट सकता है ये, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, किसी को मार दे, धक्का मार दे, खून कर दे। नो 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 नो, आई थिंक ऐसा इंसान, इतनी भोली सूरत वाला जो इंसान है योर ऑनर, उसको एक परिवार में तो क्या, एक समाज में तो क्या, देश में भी ऐसा फ्री नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे इंसान की एक ही जगह है, जेल के सलाखों के पीछे चक्की पीसो, चढ़ते रहो आजीवन। आई थिंक और एक जगह है, और एक जगह है योर ऑनर, पागल खाना। ऐसे लोग जो होते ना पागल होते, पागल, he's mad, पागल है, इसको पागल नहीं हो, पागल नहीं हो, पागल नहीं हो, पागल नहीं हो मैं। I'm not mad. How dare you call me that? How dare you call me that? Calm down. Order. Dinesh, behave yourself. Please, please, मैंने कुछ नहीं किया। Your Honor, did you see? छोड़िए मुझे। पाठक साहब,
इतना सा गुस्सा, a little bit of provoking and see what this man has done. Your Honor, भरी अदालत में IIM जयसवाल पे जानलेवा हमला, अगर ये यहाँ पे ये कर सकता है तो उस अंधेरी रात में अकेले में अपनी पत्नी का कत्ल क्यों नहीं कर सकता? Your Honor, he is a bloody murderer. ये पैंतरा भी आप ही से सीखा है पाठक साहब, थैंक यू. उतना ही नहीं योर ऑनर, जिस रात जया का खून हुआ उस रात जया के पीछे पीछे ये भी बाहर निकल गए थे रिसोर्ट से योर ऑनर, 3 घंटे के लिए गायब थे. कैन आई नो 3 घंटे के लिए आप कहाँ थे सर? मैं अपने बर्ताव के लिए माफी चाहता हूँ. देखिए जया और मेरे बीच जो कुछ भी हो रहा था उस बात को लेकर मैं बहुत परेशान था, मेरा मूड बहुत खराब था, इसीलिए मैं बीच पर गया और मैंने एक बोट हायर की और एक राइड ली. क्यों? अक्सर ऐसा करने से मेरा गुस्सा काबू में आता है. अच्छा, गुस्सा काबू में आ गया लेकिन अपनी बीवी के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद. आप चुप रहिए. आप चुप रहिए. केवल आरोप लगाने से केस नहीं जीते जाते, प्रमाण भी देना पड़ता है. आपके पास है इस समय कोई प्रमाण? अरे इतना तो प्रमाण है योर ऑनर. हाँ, मेरे मुवक्किल को गुस्सा आता है और इसके लिए इनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है. इन्होंने स्वयं मुझे बताया है. कागज आपकी मेज पर रखे हुए हैं. ये उस दिन समुद्र के तट पर उपस्थित थे. क्या ये काफी है जयसवाल साहब इन्हें हत्यारा ठहराने के लिए? आई डोंट थिंक सो योर ऑनर. डिफेंस अदालत से अनुरोध करता है कि आगे छानबीन करने के लिए समय दिया जाए. ये अदालत इस केस की छानबीन के लिए 2 और दिन का समय देती है. द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे. पाठक सर, जया को कंसीव करने में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रही थी तो मैंने ही उसे कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट करने के लिए कहा था. ओके मैम, आपको कभी जया ने अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताया था? लाइक उसके हस्बैंड के साथ उसका रिलेशन? नथिंग स्पेसिफिक, बट उसने ये ज़रूर बताया था कि स्पेशली उसके हस्बैंड उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है. शी वॉज होपिंग कि इस बार रिजल्ट पॉजिटिव आए. बट तो रिजल्ट जानने के लिए उसने आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की होगी? या कॉल तो आया था उसका, बट मैंने कहा था आने के लिए बट वो आई नहीं. मैडम, आपको डीन साहब ने बुलाया है. ओके, एक्सक्यूज मी प्लीज. हाय सर. हाँ अधीरा, बोलो. सर, मैं जया के गायनेक से मिली थी लेकिन कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है. अधीरा, मुझे लगता है कि तुम्हें आज रात जया के मायके जाना पड़ेगा चोरी छिपे, वहीं से तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी. सर लेकिन अगर मैं पकड़ी गई तो? तुम पकड़ी गई तो मैं हूँ ना तुम्हारा केस लड़ने के लिए. ओके सर, बाय. योर ऑनर, इस केस से जुड़े कुछ तथ्य सामने आए हैं जिन पर विशेष रूप से मैं अदालत का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा. सर्वप्रथम, जया जी के पिता आलोक शर्मा जी को मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं. अनुमति है? शर्मा जी, आपकी सुपुत्री के देहांत पर मैं अपना शोक व्यक्त करता हूं. बुरा मत मानिएगा, क्या आपको भी
जया की मृत्यु का उतना ही दुख है जितना हमें। ये कैसा बेतुका सवाल है? हमारी बेटी की मौत हुई है, क्या हमें दुख नहीं होगा? अगर आपकी बेटी से आपको इतना लगाव था, इतनी चिंता थी उसकी, तो फिर आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं की ये जानते हुए कि वो घर नहीं गई थी, मिसिंग है, क्यों नहीं की कंप्लेंट आप? जी हमने सोचा कि उनके बीच में जो झगड़ा हुआ उसमें सुलह हो गई है और वो अपने पति के घर दोबारा लौट गई होगी, क्योंकि अक्सर मेरी बेटी ऐसा ही करती थी। मेरी बेटी? जी मेरी बेटी का अर्थ क्या होता है? आपकी अपनी बेटी थी जया? जी मेरी अपनी बेटी। योर ऑनर, शर्मा परिवार ने यह बात दुनिया से छिपा कर रखी थी कि जया इनकी अपनी बेटी नहीं थी, गोद ली हुई थी। योर ऑनर, इन्होंने ये भी बात छिपा के रखी थी योर ऑनर कि जया के पास एक ही किडनी थी, बचपन से वो बीमार रहा करती थी, ये रहे उसके कागजात। योर ऑनर, बचपन से लेकर बड़े होने तक शर्मा जी की पूरी जमा पूंजी जया के इलाज में खर्चा हो गया, तो इन्होंने सोचा कि जल्द से जल्द जया की शादी करवा देनी चाहिए, इसीलिए योर ऑनर इन्होंने जया की शादी दिनेश के साथ कर दी और ये बात छिपा के रखी दिनेश से भी और दिनेश के परिवार से भी कि जया की एक ही किडनी है। अब संदेह हो रहा है मुझे शर्मा जी इस बात पर कि जया का जो जीवन बीमा था उस पर द्वितीय नाम तो आप दोनों का ही था, आपकी और आपकी पत्नी का, तो आपने संभवतः उस रकम के लिए, जो बहुत भारी रकम थी, आपने जया की हत्या कर दी और उस आरोप में दिनेश को फंसा दिया ताकि वो जमा पूंजी आपको मिल जाए। जी ये सरासर झूठ है। माना कि जया हमारी बच्ची नहीं थी, लेकिन हम उसे मार नहीं सकते। हाँ ये भी सच है कि हमने किडनी की बात को दिनेश से छिपाया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि उसके अतीत का उसके भविष्य पर कोई खराब असर पड़े, इसलिए हमने किडनी वाली बात को छिपाया। बेचारी जया तो दिनेश को सब कुछ सच सच बताना चाहती थी, हमने ही मना कर दिया। और जहां तक किडनी की बात है, 3 साल पहले ही प्रॉब्लम हुई थी, शादी के वक्त वो बिल्कुल स्वस्थ थी, बिल्कुल। झूठ बोल रहे हो आप, बोझ समझते थे तुम उसे और अपने सर से उस बोझ को उतारना चाहते थे, इस वजह से तुमने हमसे ये बात छुपाई। सच तो ये है कि बोझ तो वो आपको लगने लगी थी, जब से आपको उसकी बीमारी के बारे में पता चला तभी यूं ही आपके बेटे ने उसको मार दिया। झूठ बोल रही हो, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। झूठ आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोली, आप लोगों ने मिलकर मेरी बेटी को मारा। ऑर्डर ऑर्डर, शांत रहिए प्लीज, अदालत की गरिमा का कुछ तो ध्यान रखिए। वो आदमी जो आपके हाथ से निकल गया था ना मैडम, उसका पता चल गया है। सुना है मछुआरा है, अपनी वोट रेंट पर देता है, और मुझे लगता है मैडम कि हो ना हो उसकी वोट और उसका कनेक्शन उस मर्डर के साथ जरूर है। अब कहाँ मिलेगा वो, आइडिया है कोई? हाँ तो शर्मा जी, ऐसा विचार उठ रहा है मेरे मन में कि आगे मैं आपसे कुछ पूछूं उससे पहले प्रोसिक्यूशन को एक अवसर देना चाहिए आपको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए। प्रोसिक्यूटर साहब कुछ पूछना चाहते हैं? जी नहीं और मैं कुछ नहीं पूछना चाहता, थैंक यू। कुछ नहीं पूछना चाहते आप? नहीं पूछना चाहता। जबरदस्ती है? नहीं नहीं जबरदस्ती नहीं है, क्या है मैं आपका शुभचिंतक हूं ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ भूल रहे हैं? सोच के देखिए। चलिए, जितने का अवसर दिया था आपको, कोई बात नहीं मैं ही पूछ लेता हूँ, 10 मिनट में केस खत्म। एक मिनट क्या हुआ? हाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद आया ना? याद गुड, थैंक यू। आइए आइए बताइए। मैं एक मिनट। मिस्टर जायसवाल। अरे एक मिनट यार। वन मिनट योर ऑनर। केडी कहाँ उलझा दिया जायसवाल? योर ऑनर दुख की बात है कि आजकल वकील घर से होमवर्क करके नहीं आते। योर ऑनर आपकी अनुमति हो तो मैं मेरी सहायिका द्वारा भेजा गया एक बहुत ही अहम महत्वपूर्ण गवाह उसे कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति है। धन्यवाद।
योर ऑनर, ये बुतू है, समुद्र के जिस तट पर जया के पैर मिला वहीं पर से ये अपनी बोट भाड़े पर देते हैं। बताओ मुत्तू, क्या हुआ था उस रात? उस रात अपुन के पास दो लोग आया था, उन्होंने अपुन का बोट भाड़े पे लिया और फिर एक बोरा बोट में चढ़ाया और निकल गए समुद्र के बीच। योर ऑनर, इनका बोट भाड़े पे लिया, एक बोरा इनके बोट पर चढ़ाया और समुंदर के लिए निकल गए। तो ये जो दो आदमी थे, इनका चेहरा देखा होगा तुमने, इन्हें पहचानते होंगे? पहचानते ना, ये इसको देखिए, ये चेहरा देखिए, ये यही था वहां पे। साहब हो सकता है कद और काठी से तो यही आदमी लग रहा है। नहीं, कद काठी की बात मत करिए, कद काठी तो मेरा भी उनकी तरह ही है। चेहरा देखकर पहचानिए, ये थे या नहीं थे या कोई और? अब साहब अंधेरा बहुत था और उन दोनों के चेहरों भी ढके हुए थे। चेहरे ढके हुए थे योर ऑनर, इसका ये मतलब है कि ये हो सकता है कि ढके हुए चेहरे में एक दिनेश था और दूसरा आदमी इसके पिता, दोनों ने मिल के मारा जया को। जयसवाल साहब, उस रात आप वहां नहीं थे, जिसका ये अर्थ होता है कि आप केवल संभावना प्रकट कर रहे हैं। और आपको स्मरण करा दूं कि हत्या की केसेस का निर्णय केवल संभावनाओं के आधार पर नहीं किया जाता। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि मुत्तू के बोट की फॉरेंसिक जांच करवाई जाए। ये अदालत बोट की फॉरेंसिक जांच का आदेश देती है, तब तक अदालत मुलतवी की जाती है। मुझे हॉस्पिटल से कुछ पता चला है। मुझे भी हॉस्पिटल के वेबसाइट से बहुत कुछ पता चला है। इंटरेस्टिंग, बताओ तुम्हें क्या पता चला? सर, हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज रिपोर्ट से तो कोई जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन एक वार्ड बॉय मिला था जिसने ये बताया कि उस दिन जया वहां गई थी। अच्छा, अगर हम उस वार्ड बॉय को कोर्ट में पेश करें तो? गुड आइडिया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस बार कुछ अलग करें। हॉस्पिटल से किसी को बुलाने के बजाय क्यों ना हम हॉस्पिटल चले जाएं। एक मेरा मेकअप मैन दोस्त है, उसको फोन कर दो। मिस्टर जीरावाला। अरे जीरावाला नहीं, डॉक्टर जरीवाला, गुजरात का हूं ना, जरीवाला। मिस्टर जरीवाला, आपके टेस्ट की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन आपकी स्कैनिंग देखकर ऐसा लगता है कि आपकी किडनी में काफी कॉम्प्लिकेशन है। अरे बाप रे, किडनी भी खराब हो गई। अब देखो ना, उम्र हो गई है ना, किडनी तो क्या कुछ भी नहीं चलता है। आप फिक्र मत कीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन? और वो भी बहुत जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ऐसे केसेस में डिले करने का मतलब होता है जान को खतरा। अरे बाप रे, जय मां खुनिया। बट यू डोंट वरी, वी हैव द बेस्ट ऑफ द टीम अवेलेबल ओवर हियर, विल टेक केयर ऑफ यू। भले भले, जीता रहे बेटा। और क्या रे आऊं, मतलब कभी आऊं मैं? आपके टेस्ट की रिपोर्ट कल तक आ जाएगी, आप कल आ जाइए। चलता हूँ छोकरा। अरे मरी क्यों? योर ऑनर, आपके हाथ में जो फोरेंसिक्स की रिपोर्ट है उससे ये बात प्रमाणित हो जाती है कि मुत्तू के बोर्ड पर जो लहू पाया गया वो जया का ही है। इससे ये भी प्रमाणित हो जाता है योर ऑनर कि वो दो व्यक्ति जिन्होंने मुत्तू का बोट भाड़े पे लिया था, वो दोनों ही जया के हत्यारे हैं। और वो दोनों ही जो कातिल है वो दिनेश और उसके पिता ही हैं। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि मुझे थोड़ा अवकाश दिया जाए इस केस में। एक सर्जरी करवानी है योर ऑनर, ये रही मेरी फाइल। पाठक साहब, तो केस जीतने के लिए आप इस हद तक नीचे गिर जाएंगे? ये नया गेम है। केडी, तुम्हें किडनी प्रॉब्लम है? जी योर ऑनर। ओह माय गॉड,
क्या करें जायसवाल साहब, भाग्य के आगे तो किसी का चलता नहीं। योर ऑनर, एक हफ्ते की मोहलत चाहता हूँ। योर ऑनर, मुझे लगता है इसमें भी पाठक साहब की कुछ चाल। मिस्टर जायसवाल, डोंट बी सो इनसेंसिटिव। मेरे पास केडी की मेडिकल रिपोर्ट है। केडी की मेडिकल कंडीशन को देखते हुए ये कोर्ट अगले हफ्ते तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजॉइंट। ओह, पाठक साहब जी, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यू नो हाउ मच आई लव यू। हाँ जायसवाल साहब, मैं जानता हूँ कि आप अंदर ही अंदर कितना प्रफुल्लित हो रहे हैं। मुझे लगता है मुझे दाढ़ी थोड़ी और सफेद करनी चाहिए। नो सर, आई थिंक इट्स फाइन। मैं 60-65 का तो नहीं लग रहा हूँ। क्यूट लग रहे हो सर। क्यूट? अच्छा, नहीं मैं क्यूट भी नहीं लग रहा। ओके सर, आर यू श्योर आपको ये करना ही है? करना पड़ेगा अधीरा, और जो भी करना है बहुत सोच समझ कर करना है। हर जगह खतरा है, हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। खास करके तुमको बोल रहा हूँ, जो भी करना बहुत समझ बूझ कर करना। ओके सर। पल्स रेट चेक किया? यस सर। या गिव मी द ट्रे प्लीज। या सर, पेशेंट तो अभी भी होश में है। उनके एक और इंजेक्शन दीजिए। गिव मी द ट्रे। कोई लेगा नहीं। सर, आर यू ओके? योर ऑनर, पिछले कुछ दिनों में जो हुआ उसका मुझे खेद है, लेकिन कहीं ना कहीं आवश्यक था डॉक्टर साहब की पोल खोलने के लिए। इन्होंने मेरी अच्छी खासी किडनी को खराब बताया। और क्या रे आओ, मतलब कभी आऊं मैं? आपके टेस्ट की रिपोर्ट कल तक आ जाएगी, आप कल आ जाइए। चलता हूँ छोकरा। अरे मर गया। लेकिन सर, इस आदमी की किडनीज तो एकदम सही दिख रही थी। तुमसे पूछा किसी ने? अपने काम से काम रखो। आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस। ओके, आउट फ्रॉम हियर। और उसे निकालने की तैयारी कर रहे थे। ऐसा ही खेल इन्होंने जया के साथ भी खेला यार ऑनर। उसकी खराब किडनी अंदर ही रहने दी और अच्छी वाली निकाल ली, निकाल कर बेच दी। यही चल रहा था आपके अस्पताल में, आपकी वेबसाइट देखकर ही मैं समझ गया था। आपने लिखा है कि किडनी ऑपरेशंस में आपका 97% सफलता का दर है, जो कि विश्व स्तर से भी ऊपर है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये दर भारतीय स्तर की तुलना में काफी ज्यादा है। 3 साल पहले ही प्रॉब्लम हुई थी, शादी के वक्त वो बिल्कुल स्वस्थ थी। बिल्कुल तुम्हारी एक ही किडनी है और वो भी इन्फेक्टेड है, और इस वजह से तुम कभी मां नहीं बन सकती। So what do you think? जया के मां बाप ने उसकी किडनी बेची होगी? खुद को विश्व स्तर का बताने के चक्कर में आप ये भूल ही गए डॉक्टर साहब कि विश्व में पिछड़े हुए देश भी आते हैं। या फिर आपको लगा कि कभी किसी का ध्यान जाएगा ही नहीं स्तुति पे? चलिए चलिए, न्यायाधीश महोदय प्रतीक्षा कर रहे हैं, बता दीजिए इनको बाकी की कहानी। उस दिन जया मेरे हॉस्पिटल में आई, वो बहुत गुस्से में थी। देखिए, आप जल्द से जल्द एडमिट हो जाइए, ये ऑपरेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। उतना ही जितना मेरे लिए जरूरी था। अरे जया, तुम कैसी हो यहाँ पे? बस बंद कीजिए नाटक, मुझे सब पता चल गया। You are a fraud. आप
लोग हॉस्पिटल के नाम पे यहाँ किडनी का रैकेट चलाते हैं। What rubbish? Rubbish? I'm just speaking the truth, doctor. 3 साल पहले मैं आपके पास अपनी खराब किडनी की प्रॉब्लम लेकर आई थी और आपने खराब किडनी के बदले मेरी हेल्दी किडनी निकाल दी। मैं अब कभी मां नहीं बन सकती। आपने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। I will take you to the court. मैं तुम्हारी और इस हॉस्पिटल की असलियत सबके सामने लेकर आऊं। हटो यहां से, मैंने कहा हटो यहां से। लेके जाओ इसको। टुकड़ों को गहरे समंदर में फेंक कर आओ कि किसी को डेड बॉडी मिलना नहीं चाहिए, समझे? ऑर्डर प्लीज, साइलेंस इन द कोर्ट। बड़े दुख की बात है डॉक्टर साहब, धरती पर लोग डॉक्टर्स को ईश्वर का दर्जा देते हैं, आप तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं। योर ऑनर द डिफेंस रेस्ट। अदालत, सुमन हॉस्पिटल के डॉक्टर ढींगरा और उनके असिस्टेंट्स पर किडनी रैकेट का और जया की हत्या का मुकदमा चलाने का हुक्म देती है और दिनेश अवस्थी को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। फाड़क साहब, क्या है जसवंत? कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मेरा एक केस सॉल्व करेंगे हम। बोलिए। आजकल मुझे माइग्रेन की वजह से इतना सरदर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? क्या है जसवंत साहब, जैसी करनी वैसी भरनी है कि नहीं? दर्शकों, 5 दिन हो गए शुभम मेहरा को अपने घर से गायब हुए। अभी तक ना तो फिरौती की मांग की गई है और ना ही अभी तक कुछ पता चला। आज शुभम मेहरा के पिता उद्योगपति जगन मेहरा और उनकी पत्नी आरती मेहरा आप दर्शकों से कुछ अपील करना चाहते हैं। बस 4 साल का है मेरा शुभम, मासूम, हसमुख, वो जिनके भी कब्जे में, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे मेरा बेटा लौटा दीजिए। वो मेरे बिना नहीं रह पाता, मुझे मेरा बेटा घर लौटा दीजिए। आप सबसे मेरी अपील है, मेरे शुभम को प्लीज लौटा दीजिए। आपको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, और अगर किसी के पास उसके बारे में कोई जानकारी भी है तो भी मैं उसे मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ। बस आप मेरे बेटे को सही सलामत लौटा दीजिए। इन वे अच्छा ही हुआ ना सर, पैसों की लालच में कम से कम इंफॉर्मेशन सामने आ जाएगी। नहीं अदीरा, आई डोंट थिंक सो। जगन मेहरा ने जो किया वो ठीक नहीं किया। अब क्या होगा, तरह तरह की कथाएं वहां रहेंगी, मनगढ़ंत कहानियां से और कंफ्यूजन पैदा होगा, सत्य और धुंधला हो जाएगा। बस यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वो बच्चा सुरक्षित रहे। माता पिता की अपील के बाद साइकिक बिंद्रा ग्रोवर ने हमारे चैनल से संपर्क किया। उनका कहना है कि वो इस केस की गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद कर सकती है। इस वक्त हम बिंद्रा जी के घर के ठीक नीचे खड़े हुए हैं, आइए देखते हैं वो हमसे क्या कहना चाहती हैं। ये वो वहां पर है जी। शुक्रिया। इस वक्त हम बिंद्रा जी के घर पर पहुंच चुके हैं, हमको देखना है कि बिंद्रा जी हमसे क्या कहना चाह रही थी। हम बिंद्रा जी इस वक्त कुछ कर रहे हैं बिंद्रा जी? आपको जिस पल का इंतजार था वो आ चुका है। बिंद्रा जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, हम उनसे पर आप क्लोज। हाँ बेटा बोलो। हाँ मैं जानती हूं शुभम कहाँ है।
शुभम की रूह ने मुझे बताया है वो मर चुका है। ये जगह बताइए ना। हाँ यही वो जगह है। बहुत देर से तलाशी चल रही है, अगर कुछ नहीं मिला ना तो धोखाधड़ी और पुलिस का वक्त जाया करने के जुर्म में अपने हाथ से हथकड़ी पहनाऊंगा आपको। सब ठीक हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, पता चला कि यहाँ पर कोई छानबीन चल रही है, इसलिए हम लोग भागे चले हैं। देखिए मिस्टर मेहरा, मुझे लगता है कि आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। सर, क्या कुछ मिला है? आती हूँ, देखते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। 5 दिनों से लापता शुभम की लाश पुलिस को कल रात खाई में पड़ी मिली। तांत्रिक वृंदा ने की पुलिस की मदद। एक बच्चे को मार दिया। सर आपने तो कहा था कि मनगढ़ंत कहानियां सामने आएंगी, यहाँ तो पूरी लाश सामने आ गई। हाँ, मैंने जैसा कहा था वैसा ही हो रहा है। ये भूत प्रेत की बातें सब मनगढ़ंत ही है। केडी पाठक, कौन? मसी, ठीक है मैं आ रहा हूं। शुभम की हत्या में पुलिस ने वृंदा ग्रोवर को अरेस्ट किया है। वो चाहती है कि हम उसका बचाव करें। तुम आओगे मैं जानती थी। भूतों ने बताया। नास्तिक हो। अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखते। केडी, मानव मन अद्भुत कार्य करने के लिए सक्षम है। अभ्यास कराया जाए तो मानव मन जीवन और मृत्यु के रहस्य को भी भेद सकता है। लेकिन केडी, तुम्हें विश्वास करना होगा। ये जेल का अंधेरा, मुझे यहां डर नहीं लगता। मुझे ये काला घना अंधेरा पसंद है। इस अंधेरे से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो ना।
आज तुम कानून के उस पार खड़ी हो। कभी तुम भी तो कानून के इस पार खड़ी थी, जैसे के काल कोठरी है ना। सो व्हाट नॉनसेंस। अच्छी बच्ची है, सच्ची नहीं पर अच्छी है। देखिए बृंदा जी, मैं यहाँ अपनी सहायिका के चरित्र पर विवाद करने नहीं आया, आपकी परिस्थितियों पर जानकारी प्राप्त करने आया हूँ। चलिए बताइए, सत्यपूर्ण घटनाक्रम क्या था? मैंने जो किया अच्छा किया, उस बच्चे के लिए किया। उसकी रूह ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उसे उस खाई से निकालूं। क्या करती, सड़ने देती उसे वहां? ऐसी तो अगर आपको उद्देश्य भला करने का था तो आप फिर मीडिया के पास क्यों चली गई? कहां जाती, उसके माँ बाप मुझ पर विश्वास करते या फिर पुलिस को फोन करते? प्रश्न मेरे मन में यह है कि जगन मेहरा का बेटा लापता हुआ था, आप उसे सहारा दे रही थी, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, तो फिर जगन मेहरा पुलिस को क्यों बुलाता? जगन मेहरा और मेरे बीच कुछ अनबन हो गई थी, मैंने जो कहा लाश वहीं से बरामद हुई, लेकिन फिर भी सबको मुझ पर डाउट है। तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे केडी, तो केस कैसे लड़ोगे? मेरी निपुणता पर आप संदेह ना करें। अदालत में दस्तावेज जमा कर दो, हम ये केस लड़ रहे हैं। सर वो औरत फ्रॉड है, कोई साइकिक वैकिक नहीं है, बस ऐसी ही कहानियां बना रही है। हो सकता है कि वो फ्रॉड हो सकता है कि वो झूठी हो, लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार वो हत्यारे नहीं। लेकिन सर सिर्फ दोषी को पता हो सकता है कि लाश कहाँ होगी। हो सकता है, मेरे अनुमान में एक छोटे से बच्चे का हत्यारा खुला घूम रहा है, मेरे लिए उसको पकड़ना जरूरी है, और मैं उसे तब तक नहीं पकड़ सकता जब तक मैं ये नहीं पता लगा लूं कि बृंदा के कान में वो कौन सी आत्मा है जो फुसफुसाती है। 5 जून की रात को डिनर के बाद शुभम को उसकी आईना सुला दिया था। अगली सुबह मेरी वाइफ आरती ने मुझे जगाकर कहा कि शुभम कहीं नहीं मिल रहा है। हमने योर ऑनर हर जगह ढूंढा, पुलिस बुलाई, 5 दिन के लंबे समय के बाद पता चला कि शुभम को खाई में। एक छोटे से मासूम 4 साल के बच्चे की जान लेना अत्यंत भयानक अपराध है। इट इज प्रॉबली नो नॉट प्रॉबली इट इज द वर्स्ट क्राइम ऑफ ऑल। वी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। मुझे एक बात समझ में नहीं आई मिस्टर मेहरा, जब इसी औरत ने आपको आपके बच्चे का हश्र बताया तो आपने इसी पे इल्जाम क्यों लगा दिया? क्योंकि मैं जानता हूं कि औरत फ्रॉड है। फ्रॉड? What do you mean, Mr. Mehra? हमने इसे धक्के मार के घर से बाहर निकलवा दिया था। What? आपने ऐसा क्यों किया Mr. Mehra? कोर्ट जानना चाहता है। इसने मेरी पत्नी आरती को अपने जाल में फंसा लिया था। तुम्हारी फैमिली खतरे में है आरती,
मुझे आत्माओं ने बताया है। खतरा है। आरती, क्या चल रहा है सब? मैंने इस औरत को दखल देने से मना किया था ना? रामू काका, आये मालिक। रामू काका, इस औरत को अभी के अभी धक्के मार के बाहर निकालो। चलिए मैडम, बात चलिए। प्लीज आरती, मेरी बात का यकीन कर। आत्माओं ने बताया है मुझे, खतरा है। देखो, अपने जादू टोने की दुकान ना कहीं और जाकर चलाना। हम तुमसे डर के एक पैसा नहीं देने वाले। डरना जरूरी है मिस्टर मेहरा। आप पैसे दें या ना दें। यही इस औरत की सच्चाई है योर ऑनर। झूठ फरेब अंधविश्वास का सहारा लेकर लोगों को डरा धमका कर लूटना, दिस इज व्हाट शी डज। पर जब मिस्टर जगन मेहरा ने लूटने से इनकार कर दिया तो इन्हें बुरा लग गया, गुस्सा आ गया योर ऑनर। इन्होंने बदला लेने की सोची। बदला, प्रतिकार, कोल्ड ब्लडेड रिवेंज। मिस्टर विश्वजीत राणावट, कृपया मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये जो आप मेरे मुक्किल पर दिल खोल कर कुकर्म और कुसंस्कार थोप रहे हैं, इसका कोई आधार है या यूं ही? क्या सबूत चाहिए आपको मिस्टर पाठक? मुझे पूरा यकीन, I correct myself, यकीन नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते। नहीं, नहीं, नहीं। कभी कभार आप जानवरों की गवाही ले लेते हैं कोर्ट में, पर अगर भूत प्रेत को यहाँ बुलाएंगे तो आई एम श्योर अदालत उस गवाही को नहीं मानेगा। एग्जैक्टली, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आई एग्री विद यू। इसीलिए योर ऑनर, चूंकि हम वृंदा की इन क्षमताओं के बारे में नहीं जानते, हमें इनकी क्षमताओं का पूर्ण ज्ञान नहीं है, मैं अदालत से अनुरोध करता हूँ कि इनकी क्षमताओं का एक बार वैज्ञानिक जाँच करवाया जाए। कोर्ट का टाइम बहुत प्रेशियस है मिस्टर पाठक, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली नॉट वेस्ट इट प्लीज। दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपन एंड शट केस। केस को आपने ओपन ही कहां किया है राणावत साहब, अब तक जो शट होगा। यू हैव नॉट ओपन द केस एज येट। पर कहने का अर्थ ये है, डोंट माइंड प्लीज, कि आपने अभी तक यहाँ कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं प्रस्तुत किया। नो आई विटनेस जो यहाँ खड़ा होकर ये कथन दे कि उन्होंने वृंदा जी को देखा मेरा निवास से उस बालक का अपहरण करते हुए, या फिर उन्होंने देखा वृंदा जी को उस बालक को खाई में फेंकते हुए। मैं माफी चाहता हूं मिस्टर पाठक, मेरे पास कोई ऐसा जीवित इंसान नहीं जो आके ऐसा कह सके, और भूत प्रेतों पर मेरा वश नहीं। चलिए आई विटनेस की बात छोड़िए, ऐसा कोई साक्ष्य आपने अभी तक प्रस्तुत नहीं किया जो ठोस रूप से यह प्रमाणित कर दे कि वृंदा जी हत्यारिन है। आपकी चुप्पी को मैं ना समझ लूं। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, हमारे प्रिय राणावत साहब ने अभी तक कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न भी नहीं पूछा कि अंततः क्यों उस बालक का शव नग्न अवस्था में पाया गया, क्या हुआ उसके कपड़ों का। और अगर एक क्षण के लिए मान लिया जाए कि वृंदा जी ने हत्या की है, तो ये स्वयं पुलिस को उस खाई तक क्यों लेकर गई? ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, इस केस में क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, वृंदा जी पर आरोप जो लगा है वो सत्य है या नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए इनकी क्षमताओं का वैज्ञानिक जांच करवाना अनिवार्य है। योर ऑनर, मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि आप ये ऑर्डर दें। यह अदालत जांच का आदेश देती है और तब तक मुलतवी की जाती है। आर यू वृंदा ग्रोवर, रेसिडेंट ऑफ मुंबई, एज 43? आप शुभम मेहरा को कैसे जानती हैं? शुभम मेहरा, शुभम,
बोलो बेटा। एक पेड़, पेड़ है, बंगलो, बंगलो भी। ऑरेंज और ऑरेंज विला समुद्र के पास, वहीं ले जाना चाहता है शुभम। हाँ, मुंबई में ऐसे बंगलो सिर्फ जुहू, वर्ली और मड में है, और ये ऑरेंज विला मड में ही। माली को बोला। जी साहब। यही घर है? हाँ। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। यही वो पेड़ है जिसके बारे में शुभम ने मुझे बताया था। सावंत सर, सर एक्सक्यूज मी, बिना इजाजत आप हमारे बंगलों में क्या कर रहे हैं? आपकी पहचान? मैं इस बंगलों का मालिक हूं। बहुत बढ़िया। चलिए ये बताइए कि शुभम मेहरा के कपड़े आपके बंगले में कैसे हैं? तुम आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। योर ऑनर, इस औरत से मैं 2 साल पहले मिला था एक पार्टी में। पेशे से मैं एक बिल्डर हूं, रेत ईंट सीमेंट में रहना ही मेरी जिंदगी है। पता नहीं क्यों ऐसी औरत से मैं आज तक नहीं मिला था, और मुझे इससे प्यार हो गया था। प्यार हो गया था? था कहा आपने? अभी नहीं? जी नहीं, अगर मैं कोर्ट को बताऊं तो शायद मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। ये औरत काला जादू जानती है। ऑर्डर ऑर्डर। एक रात को मैं That was it. मैंने हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया। एक डायन के साथ मैं रिश्ता नहीं रख सकता था। चाहे ये कैसी भी हो, ये रिश्ता टूटने का इन पर कुछ असर तो हुआ होगा। क्या ये मान गई? जी नहीं, महीनों तक ये मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं इसके झांसे में नहीं आया, और आज जानबूझकर इस केस में ये मुझे फंसा रही है। योर ऑनर, शी इज अ डेंजरस वुमन। मुझे इससे डर लगता है। मैं जगन मेहरा को जानता तक नहीं तो उनके बच्चे के साथ मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है? Exactly. मैं कोर्ट को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये औरत झूठी और कपटी है। ये कोर्ट को बार-बार धोखा देने की कोशिश कर रही है। प्रोसिक्यूटर साहब, सॉरी, आपके दलील में मैंने जरा रुकावट डाली है।
मैं आपकी सहायता चाहता हूँ क्योंकि इस समय मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। पहली सुनवाई में भी मैंने आपसे पूछा था कि क्या आधार है जो आप इतने सुंदर शब्दों का उपयोग कर रहे हैं मेरी मुवक्किल के लिए। आपके जो प्रथम गवाह आए थे उन्होंने कहा कि मेरी मुवक्किल कपटी है, धोखेबाज है। अब आपके दूसरे गवाह कह रहे हैं कि वो डायन है इत्यादि इत्यादि। प्लीज मेरी ये कन्फ्यूजन सॉर्ट आउट कीजिए। ये क्या अंततः क्या है वृंदा जी, मेरी मुवक्किल वो क्या है? आप भी इसी समय उतना ही कन्फ्यूज लग रहे हैं। एक काम करिए, आप विराजिए, मैं इन्हीं से पूछता हूँ। प्रकाश जी धन्यवाद। प्रकाश जी, सर्वप्रथम तो आभार व्यक्त करते हैं आपका कि आपने एक स्त्री के लिए, मेरी मुवक्किल के लिए इतने सुंदर शब्द उपयोग किए, हमें बहुत जानकारी दी। थोड़ी जानकारी मैं आपसे भी प्राप्त करना चाहता हूँ। 6 जून को क्या व्यस्तता थी आपकी, कहाँ थे आप, क्या कर रहे थे, कृपया बताएं। जी मैं किसी ऑफिशियल काम में बिजी था। अच्छा अच्छा अच्छा, व्यावसायिक कार्य में जुटे हुए थे जी। एक मिनट, कुछ बस यूं गया, कहीं ऐसा तो नहीं है प्रकाश जी? हाँ ऐसा ही है, देखिए रायगढ़ में थे आप। 6 जून को आप रायगढ़ में थे, वहां सरकारी टेंडर प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे आप। क्या मैं सही कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या आपने कहा कि आप जगन मेहरा को जानते ही नहीं थे? तो ये जो सूची है मेरे सामने, इसके अनुसार तो जिस टेंडर के लिए आप 6 जून को रायगढ़ गए थे, उस टेंडर में एक ही प्रतिद्वंदी था आपके सामने, और वो जगन मेहरा। ये तो जानकारी रही होगी आपको इस बात की? नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है, हम ध्यान नहीं रखते हैं। क्या ध्यान नहीं रखते प्रकाश जी, किस बात पर ध्यान नहीं रखते? व्यवसाय पर ध्यान नहीं रखते ये बात सही है, या फिर ये बात सही है कि अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी के बेटे को अगवा करवा दिया ताकि उनका ध्यान वहां चला जाए और टेंडर आपको मिल जाए? क्या ऐसा ये सत्य है या वो क्या सत्य है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैसा है बताइए ना। उनके बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बेहद दुख है, लेकिन हमारे बिजनेस में ऐसा ही होता है। इसीलिए आपने ये देखिए 5 जून को ये नंबर, पहचानते होंगे आप, जगन मेहरा जी के वाहन चालक का नंबर है योर ऑनर। हाँ तो प्रकाश जी मैं ये तो प्रमाणित कर चुका हूँ कि आप जगन मेहरा जी के वाहन चालक से वार्तालाप कर रहे थे 5 जून को। ये भी प्रमाणित कर दूंगा बहुत शीघ्र के वो आपके गुप्तचर बन गए थे और उस टेंडर के बारे में पूरी जानकारी आपको दे रहे थे, और आप इस बात से इनकार भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। प्लीज ले आइए उन्हें। ये देखिए, ये टेंडर मेरे लिए बहुत जरूरी था योर ऑनर, और इसे पाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा मैंने किया, और यही सत्य है योर ऑनर। अब ये हत्यारे हैं या नहीं ये तो तभी प्रमाणित होगा जब इस नई जानकारी की जांच की जाएगी। योर ऑनर मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती मेरे मुवक्किल को जमानत दी जाए। यह अदालत जांच का आदेश देती है और तब तक मुलतवी की जाती है। अरे देरा, वो नोटिस किया तुमने, कोर्ट में कभी मिसेस मेहरा शुभम की माताजी नजर नहीं आई। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मुझे मेरा बेटा लौटा दीजिए। सर वो बीमार है, बच्चे की मौत का बहुत गहरा असर पड़ा है उन पर। आई एम श्योर असर पड़ा होगा। तो एक काम करो, ये जगन और प्रकाश से मिलो, बात करो, सत्य निकालने का प्रयास करो। मैं जाकर ये पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि वृंदा ग्रोवर जी की सच्चाई क्या है। अंदर आइए।
परफ्यूम पसंद आया केटी? तुम आओगे जानकर स्पेशली तुम्हारे लिए ही लगाया था। अच्छा, देखिए वृंदा जी, अब आप ये कहेंगी कि पहले से आप जानती थी कि मैं आऊंगा, इसलिए आपने ये सारी तैयारी मेरे लिए की। देखो वृंदा, तुम्हें मेरे साथ ये ढोंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रघु काका ने मुझे बताया था कि तुमने फोन करके पता किया था, और ये जो तुम्हारी आंखों वाली मुद्रा है ना, ये वाली पुतलियां छुपाने वाली, मैं जानता हूं कि अभ्यास करने के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। ये सब जो तुम्हारा ड्रामा है, ये किसी नादान को छलने के लिए काफी होगा, लेकिन केडी पाठक को छलने के लिए सक्षम नहीं है। तो मुझे शुभम की लाश का पता कैसे चला और उसके कपड़ों का? हाँ, इसी प्रश्न का उत्तर जानने में तुम्हारे पास आया हूँ। ठीक है, तो तुम्हें खुली छूट है केडी, मैं तुम्हारे किसी भी काम में बाधा नहीं बनूंगी। तो बताइए, 5 जून की रात आप कहाँ थी? 1000 बार बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ अपने घर पर थी, मेहरा बंगलों से कोसों दूर। अच्छा, श्योर? याद करिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहीं से लौट रही थी और अपनी गाड़ी में सैर करने निकल गई हो मेहरा निवास की ओर? मेरी गाड़ी खराब है, गिराज गई है, चाहो तो जाकर देख सकते हो। आपकी गाड़ी तो बाहर खड़ी हुई है। वो गाड़ी मैंने रेंट पे ली है जेल से छूटने के बाद। अगर चाहो तो इस गाड़ी में रात्रि सैर के लिए जा सकते हैं, चांदनी रात, लॉन्ग ड्राइव, उफ, आई लव इट। राइट, मैं आपको स्मरण करा दूं कि आपके सर पर हत्या का आरोप है। मैं जरा जाता हूं मेरे कार्यालय आपके केस की तैयारी करने। थैंक यू। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। वृंदा जी, कल रात शुभम की आत्मा ने आपसे संपर्क किया था? ओह कम ऑन योर ऑनर, दिस जस्ट कीप्स गेटिंग रिडिकुलस बाय द मिनट। ये औरत रोज हमें कोई नई इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग अट्रोशियस कहानी सुनाती रहेंगी और हम यहाँ कोर्ट में सुनते रहेंगे। योर ऑनर, इनकी कहानियां सत्य भी निकल रही। शुभम की रूह ने मुझसे रिक्वेस्ट की। शुभम कि मैं उसके पिता को बताऊं कि उसका खून उसके मां के किसी खास दोस्त ने की थी। ऑर्डर ऑर्डर, खास दोस्त अर्थात? मुझे जहां तक लगता है कि वो किसी नाजायज रिश्ते की ओर इशारा कर रहा था। व्हाट नॉनसेंस! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर कीचड़ उछालने की? मेहरा साहब, शांत रहिए ना, आपकी पत्नी स्वयं अपना पक्ष रख सकती। योर ऑनर, मैं मिसेस मेहरा को अदालत में बुलवाने की अनुमति चाहूंगा। वो नहीं आ सकती, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। योर ऑनर, मैंने आपकी पत्नी को टीवी पे इंटरव्यू देते हुए देखा है मिस्टर मेहरा, अगर वो मीडिया से बात कर सकती हैं तो यहाँ अदालत में भी पेश हो सकती हैं। बुलवाइए उन्हें। योर ऑनर, मेरी सहायिका अधीरा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की है इस केस में। उन्होंने ये पता लगाया है कि कुछ दिनों से मिसेस मेहरा एक ऐसे व्यक्ति से भेंट कर रही थी, मिल रही थी, जो उनके निवास के बहुत ही निकट किसी सराय खाने में रह रहा। मेरे निवेदन पे इंस्पेक्टर राठौर ने उन्हें हिरासत में लिया है। आपकी अनुमति हो तो उन्हें अदालत में बुलाओ। अनुमति है। कृपया अदालत को अपनी पहचान दीजिए। जी, मेरा नाम राजीव कपूर है और मेरे आरती के साथ संबंध थे। कैसे संबंध है आपके आरती के साथ? हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि शादी के सपने देखने लगे थे। फिर अचानक से आरती की फैमिली वालों ने इसका रिश्ता कहीं तय कर दिया। लड़का पैसे वाला था तो आरती ने मुझे छोड़ दिया। चलिए, ये सब तो भूतकाल की बातें हैं, ये बताइए वर्तमान में क्या संबंध है आरती के साथ आपके? कोई संबंध नहीं है, मैं तो कई सालों से मिला भी नहीं उससे। ये झूठ है योर ऑनर। योर ऑनर, सच तो ये है कि शादी से पहले राजीव और मैं एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे,
और जब जगन का रिश्ता आया तब मेरे माँ बाप ने मुझे राजीव से कट ऑफ करने के लिए मजबूर कर दिया और उसके बाद हम कभी नहीं मिले। लेकिन कुछ हफ्तों पहले राजीव लौट आया। योर ऑनर, उसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि वो हमारे अतीत के बारे में सब कुछ जगन को बता देंगे, उसे चुप कराने के लिए मैं उसे पैसे देती रही। लेकिन मुझे नहीं पता था योर ऑनर कि मैं एक सांप को दूध पिला रही हूं, वो भी वो सांप जो मेरे बच्चे को ही डस लेगा। मुझे उस खूनी का आभास हो रहा है, वो इसी अदालत में मौजूद है। लेकिन राजीव, राजीव खूनी नहीं है। ये कोर्ट क्या एक मजाक है केडी? कभी तुम्हारी क्लाइंट कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, वृंदा जी केवल वही कर रही थी, वही कह रही थी जो मैंने उनको कहने और करने को कहा था। मैं केवल अदालत में इतना प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा था कि ये जो भौतिक रूप है इनका योर ऑनर, ये केवल एक स्वांग है और कुछ नहीं। अर्थात जो प्रोसिक्यूटर साहब पहली सुनवाई से कह रहे हैं कि ये महिला एक ढोंगी है, अदालत में उसका प्रमाण देने का प्रयास कर रहा है। योर ऑनर, मैं वृंदा जी से भेंट करने इनके घर गया था तो इन्हें घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई पाई। मैंने अपनी सहायिका अदीरा से उस गाड़ी की जांच पड़ताल करने को कहा तो कुछ तथ्य सामने आए। आपकी अनुमति हो तो मैं अदीरा को यहां बुलाऊं। अनुमति है। योर ऑनर, रेंटल कार सर्विसेज से पता चला है कि 5 जून को मिसेस ग्रोवर ने गाड़ी किराए पर ली थी। उनके डेटाबेस से हमें जीपीएस की डिटेल्स मिल गई हैं। 5 जून से अब तक मिसेस ग्रोवर की गाड़ी कहाँ कहाँ और कब गई वो सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, अब मैं वृंदा जी की तारीफ में क्या कहूँ? तुम कहना क्या चाह रहे हो केडी? जो कहना है यही कहेंगे। बताइए अदालत को वृंदा जी। 5 जून की रात मैं रेंटेड कार से पार्टी से घर लौट रही। मैंने उत्सुकता से कार रोकी। और फिर वहां गई। सोचा कि मैं अगली सुबह पुलिस के पास जाऊं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शुभम के गायब होने की खबर फैल चुकी थी। मैंने अंदाजा लगाया और शुभम की तस्वीरें ब्रॉडकास्ट हो चुकी थी। मैं श्योर हो गई कि वो कपड़े शुभम के हैं और सिर्फ मुझे पता था कि शुभम की लाश कहां है। योर ऑनर, एक तीर से अनेक निशाने साधे वृंदा जी ने, बहुत ही अद्भुत योजना बनाई। वाणिज्य ख्याति, धन संपत्ति इत्यादि इत्यादि, और केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, जगन मेहरा से प्रतिकार और अपने पूर्व प्रेमी तोड़ी से प्रतिशोध। लेकिन बच्चे को किसने किडनैप किया किडी? योर ऑनर, आरंभ में मुझे लगा कि जो मिसेज मेहरा को ब्लैकमेल कर रहा था राजीव, उसी ने अगवा किया होगा, किंतु मैं गलत था यार। चित्र पाए हैं मैंने आग्रह करूंगा कि आप
एक बार इन्हें देखे। योर ऑनर, मैं विशेष रूप से अदालत का ध्यान दो दिनांक पर आकर्षित करना चाहता हूं। एक, मिस्टर मिसेस मेहरा का विवाह का दिनांक और द्वितीय, शुभम की जन्म तारीख। योर ऑनर, इस गणित के अनुसार शुभम विवाह के 7 महीने बाद ही पैदा हो गया, किंतु योर ऑनर, जांच के अनुसार शुभम में प्रीमेच्योर बेबी नहीं था, पूरे 9 महीने बाद आया, जिसका अर्थ बहुत ही सरल होता है मिसेस मेहरा। क्या लगता है आपको, ये सत्य छिपाने में अब आपका कोई हित है? हाँ हाँ, शुभम राजीव का ही बेटा था। ऑर्डर ऑर्डर। और यही कारण था योर ऑनर कि मिस्टर जगन मेहरा ने उस शिशु की निर्मम हत्या कर। शुभम का जन्म आरती के मायके में हुआ था, वहां से मुझे बताया गया कि प्रीमेच्योर है। मैंने भी मान लिया, बर्थ सर्टिफिकेट देखना ठीक नहीं समझा, और उसके बाद ये आदमी आटक का। मुझे लगा कि नया अफेयर होगा, थोड़ी छानबीन की तो पता चला कि नहीं, पुराना अफेयर था। उस दिन से आरती की सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। उस दिन से शुभम को जब भी मैं देखता था, मुझे मुझे एक आंख नहीं भाता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे जैसे मेरी पूरी जिंदगी छूटी है। मार दिया उसे। ऑर्डर ऑर्डर। और ये सब सुलझ जाता तो मैं इसे भी मार देता। योर ऑनर, इस केस के सारे तथ्य मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं। दुख की बात तो ये है, इस केस से जुड़े हर व्यक्ति ने उस शिशु की मृत्यु से लाभ उठाना चाहा। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत जगन मेहरा को शिशु हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाती है, और वृंदा ग्रोवर, प्रकाश टोडे, राजीव कपूर और वाहन चालक सुखीराम पे अलग से मुकदमा चलाने का आदेश देती है। दिस केस इज क्लोज्ड। रणावत साहब, आज्ञा चाहेंगे। कुछ देर के लिए तो मुझे लगा कि आप सचमुच उनके काला जादू में फंस गए। नहीं 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 राणावत साहब, मैं काले जादू में नहीं फंस सकता, क्योंकि मेरा सफेद जादू जो है उस काले जादू से भी ज्यादा भयानक है। Am I right? Am I right? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.